अस्सलाम वालेकुम जी। हमने क्या करना है, हमने ना मोर्फोलॉजी डिस्कस करनी है, स्पेशल पैथो के सारे टॉपिक्स की वन बाय वन। तो स्टार्ट हम लोग करने लगे हैं जीआईटी से, बिकॉज जीआईटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा ये आसान भी है। तो हम लोग जीआईटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और वन बाय वन हम जीआईटी की सारी मोर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, इसके डिसऑर्डर्स की, जिसमें पहले ओरल कैविटी आ जाती है, फिर इसोफेगस आ जाता है, स्टमक है, उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्टार्ट हम करने लगे ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसकी आपको मोर्फोलॉजी पूछी जा सकती है, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ना पूरी बॉडी में जहां पर भी स्क्वेमस एपिथीलियम है वहां पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन जाना है। लाइक आपके ओरल कैविटी में है, आपकी इसोफिगस में है, सर्विक्स में होती है स्क्वेमस एपिथीलियम। तो जहां पर भी स्क्वेमस एपिथीलियम है ना वहां पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल, मतलब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन जाता है। लेकिन आज हमने जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डिस्कस करना है वो ओरल कैविटी का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अब क्या होता है कि जब आपने इसकी मोर्फोलॉजी लिखनी होती है ना, अब हर जगह पर आप इसकी मोर्फोलॉजी अलग याद करने लगे तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी ना, ज्यादा चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी जो मुश्किल है। तो बेहतर होता है कि आप चीजों को कोरिलेट करें, और कोरिलेट करके आप सिर्फ मेन दो तीन चीजें याद रख लें, उसके बाद जहां पर भी कहीं पर भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा वो आपसे इसकी मोर्फोलॉजी पूछेंगे, तो आपने यही दो तीन चीजें लिख देनी है जो आपने अच्छे से याद की थी, ठीक है? तो वो क्या होता है कि सबसे पहले ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ग्रोस फीचर्स पे, कि अर्ली लेयन क्या होता है और लेट लेयन क्या होते हैं। अब आप सबको बताया कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बनने से पहले ना ओरल कैविटी में कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं, लाइक ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया, जो हमने देखी हुई है, ईएनटी में भी पढ़ी है हमने, स्पेशल पैथों में भी पढ़ी है। तो ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया में क्या होता है कि पैचेस से बन जाते हैं हमारी ओरल कैविटी में। अब वो रेड कलर के हो या व्हाइट कलर के हो, लेकिन पैच बनते हैं, ठीक है? तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में जब अभी स्टार्ट ही होगा ना, जब अर्ली लेयन होंगे, तो ये भी पैच सा ही होगा, एक प्लॉक होगा, पैच होगा, ठीक है? और लेकिन इसका ये होगा कि म्यूकोसल थिकनिंग होगी, लेकिन ये थोड़ा इररेगुलर रफंड होगा। मतलब यहां से पता चलेगा कि कैंसर बनने वाला है, इररेगुलर होगा, रफंड होगा, म्यूकोसल थिकनिंग होगी, और एंड पे वही चीज कि इसके बैकग्राउंड पे हमें ल्यूकोप्लेकिया या इथ्रोप्लेकिया मिल सकता है। तो अर्ली लेयन में आपको क्या मिलेगा, प्लॉक्स मिलेंगे, इररेगुलर सी रफंड सी म्यूकोसल थिकनिंग मिलेंगी, और आपको बैकग्राउंड पे ल्यूकोप्लेकिया इथ्रोप्लेकिया मिल सकता है जब ये लार्ज कर जाएगा। अच्छा, कोई भी कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, नॉट ओनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कोई भी कैंसर हो, जब वो इलाज करता है ना वो मैस बन जाता है, ठीक है? जब वो मैस बन जाता है तो अगर तो वो किसी ल्यूमन में है तो उस ल्यूमन को अक्लूड करना शुरू कर देता है। लाइक अगर इसोफिगस का कैंसर है तो ल्यूमन को अक्लूड करना शुरू कर देगा। तो अब ओरल कैविटी में जब ये मैस बनते हैं ना, तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि ल्यूमन को अक्लूड करे, क्योंकि ओरल कैविटी बहुत बड़ी है, तो ये ल्यूमन को अक्लूड नहीं करता। और ओरल कैविटी में क्या होता है कि ये सिर्फ एक मैस बन जाता है, प्रोट्रूडिंग मैस होता है, और ये अल्सरेशन इसकी हो सकती है, ठीक है? इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो थोड़े इंड्यूरेटेड हो जाते हैं, ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपी पे, तो हमें ग्रोस में सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अर्ली में आपने बता देना कि म्यूकोजल थिकनिंग्स हैं, थोड़ी इरेगुलर सी हैं, और ल्यूकोप्लेकिया एथ्रोप्लेकिया आप सबको पता है। जब आपने कहना है कि थोड़ा डिले हुआ, जब थोड़ा लेन बड़ा हुआ, तब उसको क्या कहना है, उसको मैस बन गया, ठीक है? ये सिर्फ आपने दो बातें याद रखनी है ग्रोस के लिए। माइक्रोस्कोपी की बात करें ना, तो आपको मैं एक दफा माइक्रोस्कोपी बताऊंगी, आपने इसको हर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में लिखना है। जहां पर भी आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की मोर्फोलॉजी वो पूछेंगे, माइक्रोस्कोपी आपने सेम लिखनी है। वो क्या, आपने लिख देना है कि अब स्क्वेमस एपिथीलियम से बना ना ये कार्सिनोमा, तो यहाँ ये पोली डिफ्रेंशिएटेड होगा, यहाँ ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा। कोई भी कैंसर, उसको हम यही कहते हैं कि यहाँ पोली डिफ्रेंशिएटेड होगा या वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा। अगर तो ये कैंसर वेल डिफ्रेंशिएटेड हुआ तो हमें केराटिन पर्ल्स नजर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो ये कैंसर वेल डिफ्रेंशिएटेड हुआ तो हमें क्या नजर आएगा, हमें केराटिन पर्ल्स नजर आएंगे, ठीक है? और अगर ये कैंसर हमारे पास हुआ पोली डिफ्रेंशिएटेड, तब हमें बिल्कुल भी केराटिन नजर नहीं आएंगे, तब थोड़ी बहुत केराटिनाइजेशन होगी और हमें ना सिर्फ नेस्ट नजर आएगा डिस्प्लास्टिक सेल्स का, एक गुच्छा सा नजर आएगा डिस्प्लास्टिक सेल्स का, अगर वो पोली डिफरेंशिएटेड हुआ। तो सिर्फ आपने हर जगह पे जहां पे भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ रहा है उसकी माइक्रोस्कोपी में यही दो तीन चीजें लिखनी होती है कि अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो केराटिन पर्ल्स नजर आएंगे, अगर पोली डिफरेंशिएटेड है तो हमारे पास डिस्प्लास्टिक सेल्स नजर आएंगे। ओके, उसके बाद ना इसके लिए एक चीज स्पेसिफिक थी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैविटी के लिए, वो थी इसकी मेटास्टेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मेटास्टेसिस के मेटास्टेसाइज करके कहा जा सकते हैं इसको ना, ट्रिपल एल से याद रख सकते हो। एल पहले एल से बन जाएंगे लिम्फ नोड, अब वो सर्वाइकल लिम्फ नोड होंगे, मीडियल स्टाइल लिम्फ नोड होंगे, दूसरे एल से लंग्स और तीसरे से लिवर। तो ट्रिपल एल से आप इसके मेटास्टेसिस याद रख सकते हो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैविटी की। अच्छा, ये देखें, ये मैंने क्यों ऐड की थी, ये मैंने आपको ना जब इसकी मैंने ग्रोथ बताई तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ म्यूकोजल थिकनिंग्स मिलेंगी जो थोड़ी रफ होंगी, ठीक है, इररेगुलर होंगी। तो ये देखें, ये आपका ग्रोथ है, आपको ग्रोथ में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अगर आप अर्ली लेयर में देखोगे ऐसा नजर आएगा, म्यूकोजल थिकनिंग और इररेगुलर सी। अगर आप थोड़ा लेट देखोगे तो आपको एक मैस नजर आएगा जो प्रोट्रूड कर रहा होगा और जो अल्सरेटेड होगा, ठीक है? चलिए, हमारे पास ओरल कैविटी का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट मोर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आ जाती है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या होता है, ये होता है कि जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड है ना,
उसमें ये बनता है। अब इसकी पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, देन मैं आपको इसकी मोर्फोलॉजी कराऊंगी। आपको ना ग्रोस में ये ऐसे नजर आता है। अब ये देखिए ये डिमार्केटेड हो रहा है ना, हमें पता व्हाइट इसका कलर है और ये डिमार्केशन बन रही है कि अच्छा यहाँ तक कार्सिनोम है, यहाँ तक मतलब कार्सिनोमा तो ये नहीं है, एडिनोमा है सॉरी, तो यहाँ तक एडिनोमा है, ठीक है, हमें साफ पता चल रहा है। उसके बाद अगर माइक्रोस्कोपी पे देखें ना इसकी, ये देखें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में आपको प्लियोमॉर्फिज्म वर्ड से समझ आ रही है। प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म क्या होती है कि वेरियस शेप्स हो, वेरियस साइज हो, डिफरेंट तरह के सेल्स की शेप्स हो, डिफरेंट तरह की साइज हो, उसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। अब प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में क्या होता है कि आपको इस जगह पर, इस एडिनोमा में तकरीबन हर तरह का सेल मिलेगा, मतलब जितनी भी आपकी बॉडी में टिश्यूज है ना, तकरीबन हर तरह का सेल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कार्टिलेज होगा, यहाँ पर एपिथीलियम होगी, वो एपिथीलियल कहीं पर शीट्स बना रही होगी, कहीं पर ट्यूब्यूल्स बना रही होगी, कहीं पर डक्ट्स बना रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मीजेनकाइम भी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रोमा भी मिलेगा, मतलब बहुत सारे टिश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए इसको हम प्लियोमॉर्फी कहते हैं कि एक तरह के सेल, एक तरह के शेप, एक तरह का साइज नहीं मिलता, बल्कि प्लियोमॉर्फिज्म मिलती है और होता है एडिनोमा, बिनाइन होता है, तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ग्रोस की बात करें तो ग्रोस आप सिर्फ ये याद रख लें, इसको देखकर आप ग्रोस खुद लिख सकती हैं कि राउंड सा होता है और वेल डिमार्केटेड है। ये देखिए नजर आ रही है डिमार्केशन, तो राउंड वेल डिमार्केटेड है, इनकैप्सुलेटेड तो होता है लेकिन कैप्सूल इसका फुली डिवेलप नहीं होता। कट जब इसको करेंगे तो क्या नजर आएगा, ग्रे व्हाइट नजर आएगा। और हमें काटने पे क्या नजर आ सकते हैं, हमें काटने पे ना मैक्सोइड और कॉन्ड्रोइड टिश्यूज नजर आएंगे। अब मैक्सोइड क्या होता है, मैक्सोइड सिंपली ये होता है कि जो आपका होती है ना प्रोटियोग्लाइकन, मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सब्सटेंसेस होती हैं, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की सब्सटेंसेस होती हैं, प्रोटियोग्लाइकन वगैरह, अगर उनकी अमाउंट स्ट्रोमा में ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं मैक्सोइड टिश्यू। तो आप जब इसको काटेंगे आपको ग्रे व्हाइट तो नजर आएगा लेकिन साथ आपको मैक्सोइड नजर आएगा, और साथ आपको, क्योंकि मैंने बताया प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में तकरीबन बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं, तो आपको कॉन्ड्राइड टिश्यू भी नजर आएगा, कार्टिलेज लाइक टिश्यू। और माइक्रोस्कोपी में अगर आप ये वाली जो चीजें देखी है ना सारी लिख दें, सिंपली आपने इसमें कार्टिलेज देखा तो माइक्रोस्कोपी में कार्टिलेज लिख दें, आपने इसमें एपिथीलियम देखी जो डक्ट्स बना रही है, शीट्स बना रही है, तो वो लिख दें, स्ट्रोमल टिश्यू लिखा वो लिख दें, ठीक है, जो भी चीज में देखी है वो वहां पर लिखने चले। माइक्रोस्कोपी में सबसे पहली चीज सिर्फ एक वर्ड याद रखें, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ये तो आपको नाम से भी याद रहेगा ना, प्लियोमॉर्फिक यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो आपने माइक्रोस्कोपी में एक वर्ड याद लिखना है हेट्रोजेनिटी। उसके बाद आपने क्या लिख देना है, सारी जो टिश्यूज के टाइप मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाई है वो सारी इनलिस्ट कर दें। एपिथीलियम थी, उसके बाद क्या था, लूज मेसेनकाइम थी, मैक्सोइड टिश्यू था, कॉन्ड्रोइड था, बोन्स के भी इवन आपको फोकाई मिल सकते हैं, और ये सारी चीजें। अब जब एपिथीलियम की बात करते हैं, एपिथीलियम में हमें दो से तीन लाइनें बनानी पड़ती है। हम कहते हैं कि एपिथीलियम जो थी ना वो लूज मेसेनकाइम के अंदर पड़ी हुई थी और अब उसके जो सेल्स थे वो अरेंज हो गए थे, कहीं पर डक्ट्स बना रहे थे, कहीं पर ऐसे नहीं थे, इररेगुलर ट्यूब्यूल्स भी बना रहे थे, स्ट्रैंड और शीट्स भी बना रहे थे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे वो बात करें कि जो एपिथीलियल सेल्स है ना, अगर वो वेल डेवलप्ड डक्ट्स बना रहे थे तो उसमें क्यूबॉइडल या कोलमनर एपिथीलियम थी, अगर वो शीट्स वगैरह स्ट्रैंड्स बना रहे थे उसके अलावा वो क्या कर रहे थे, वो वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस एपिथीलियम भी बना रहे थे। मतलब एपिथीलियम क्योंकि तीन से चार तरह से मौजूद होती है तो उसको हमने तीन से चार तरह से बता देना है कि यहाँ तो वो ट्यूब्यूल्स बना देंगे, अगर ट्यूब्यूल्स बनी होंगी तो वहां पर हमें कोलमनर या क्यूबॉइडल एपिथीलियम नजर आएगी, या वो एपिथीलियम शीट्स बना देगी, या वो एपिथीलियम स्क्वेमस एपिथीलियम के पूरे आइलैंड्स बना देगी, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, लूज मेसेनकाइम मिलेगी, मैक्सोइड टिश्यू मिलेगा, मैक्सोइड टिश्यू क्या आते हैं, सिर्फ प्रोटियोग्लाइकन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, कॉन्ड्रॉइड मिलेंगे, फोकाई ऑफ बोन। लेकिन इसमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में कोई डिस्प्लाजिया नहीं मिलता, कोई माइटोटिक एक्टिविटी नहीं मिलती, कि जितने भी सेल्स है ना है ये सारे डिस्प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है। डिस्प्लेसिया होता है कि एबनॉर्मल हो जाना, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो का एबनॉर्मल हो जाना, हाइपरक्रोमेसिया हो जाना, इस तरह की चीजें, तो इसमें इस तरह की चीजें कोई भी नहीं है। अगर कोई कार्टिलेज है ना तो बिल्कुल नॉर्मल कार्टिलेज है, अगर कोई एपिथीलियम है तो बिल्कुल नॉर्मल एपिथीलियम है, तो डिस्प्लेसिया इसमें नहीं होता। ये हमारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कवर हो गया। अब हमें जाना है इसोफिगस की तरफ, बिकॉज हमारी ओरल कैविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसोफिगस में ना ये अगर आप याद रख लो सीक्वेंस, ये आप तो आपको इसोफिगस की सारी मॉर्फोलॉजीज, सारी पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से याद रहेंगे। अब ये सीक्वेंस क्या कहता है, ये कहते हैं कि सबसे पहले ना अगर तो गर्ड हो जाए, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाए, कि जो स्टमक है उसमें से जो एसिड है ना वो इसोफिगस की तरफ वापस जाता है। अब ये क्यों वापस जाता है, बिकॉज स्टमक और इसोफिगस के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है ना वो अपना काम सही से नहीं करा, तो स्टमक से एसिड जो है, एसिडिक सिक्रीशंस जो है वो इसोफिगस की तरफ जाती है, रिफ्लक्स हो रहा है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ये हो रहा था, लेकिन अगर इसको यहाँ पे ना रोका गया, यहाँ पे ट्रीट ना किया गया, उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसोफिगस के जब म्यूकोजा को डैमेज आहिस्ता हो रहा है, एसिड के साथ उसका एक्सपोजर होता जा रहा है, तो वो अपने अंदर थोड़ा चेंज लेकर आएगी, वो अपनी एपिथीलियम थोड़ा चेंज कर लेगी। नॉर्मली इसोफिगस के पास होती है स्क्वेमस एपिथीलियम और वो इसको चेंज करके बना लेगी कोलमनर, ठीक है।
इंटेस्टाइन लाइक एपिथीलियम ले आएगी अपने अंदर, उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। तो उसको कहते हैं बेरेट इसोफेगस, यानी सिंपली उसने अपनी एपिथीलियम चेंज की, उसने मेटाप्लेजिया किया। लेकिन अगर अभी भी एसिडिक सिक्रीशन के साथ एक्सपोजर होता रहा और अभी भी चीजें ठीक ना हुई, तो फिर मेटाप्लेजिया आगे चला जाएगा डिसप्लेजिया की तरफ। डिसप्लेजिया क्या होता है, मैंने बताया कि डिसप्लेजिया होता है कि एबनॉर्मल चीजें हो जाना, सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनकी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हो जाती है, उनमें हाइपरप्रोमेसिया हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिसप्लेजिया। तो सबसे पहले सिर्फ वहां पर म्यूकोजा रेड रेड हुआ, अगर वहां पर ठीक ना हुआ तो मेटाप्लेजिया हो गया, बैरेट एसोफेगस बन गई, मेटाप्लेजिया भी ठीक ना हुआ तो डिसप्लेजिया हो गया। ठीक है, डिसप्लेजिया पे भी अगर इसको ना ठीक किया गया या यहां पर भी अगर एसिड के साथ एक्सपोजर होता गया कॉन्टिन्यूसली, तब वो बन जाएगा कैंसर और वो बनेगा एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, अब उसको हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज वहां पे मेटाप्लेजिया हो चुका था, अब वहां पे स्क्वैमस सेल एपिथेलियम नहीं रही, तो वहां पर इंटेस्टाइन के एपिथीलियम आ गए जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए हम उसको कहेंगे एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये आपने फ्लो चार्ट समझ लें, ये सीक्वेंस आपने याद रखना है कि सबसे पहले गर्ड है, आपको गर्ड की मोर्फोलॉजी आनी चाहिए, बैरेट इसोफेगस है आपको बैरेट इसोफेगस की मोर्फोलॉजी आनी चाहिए, देन आपके पास कैंसर है तो आपको कैंसर की मोर्फोलॉजी, इन तीनों की मोर्फोलॉजी हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आ जाती है रीफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यानी कि गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसकी मोर्फोलॉजी एसीक्यू में तो नहीं आती इतनी ज्यादा, लेकिन एमसीक्यू इसमें से बहुत बनते हैं, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। अच्छा, ये ना सबसे पहली स्टेज है जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट दिखाया ना, ये वाला, इसकी ये सबसे पहली स्टेज है, यानी अभी ना तो एपिथीलियम में मेटाप्लेजिया हुआ है ना ही डिसप्लेजिया हुआ है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो आपके एपिथीलियम है ना, जो स्टर्स की वॉल है इसोफेगस की, थोड़ी बहुत रेड हुई है, थोड़ी इरोजियंस आई है उसमें। तो ग्रोथ में क्या मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, इरोजियंस मिलेंगी, माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, तीन लाइनें, इन तीन लाइनों को रट ले, ये तीन लाइनें एज इट इज एमसीक्यूज में आई हुई है। ठीक है, रॉबिन्स रिव्यू एमसीक्यूज में ये तीन लाइनें एज इट इज आई हुई है। सबसे पहले क्या होगा कि इओसिनोफिल्स आएंगे, जो इसोफिगस है ना वो अपनी हेल्प के लिए इओसिनोफिल्स को बुलाएगी, इनफ्लक्स होगा इओसिनोफिल्स का, ई से याद रख लें कि इसोफिगस है, उसका एसिड के साथ एक्सपोजर हो रहा था तो उसने हेल्प के लिए किसको बुलाया, इओसिनोफिल्स को। उसके बाद जो इसकी बेसल जोन है उसका हाइपरप्लेजिया होगा, जाहिर बात है इसोफेगस की वॉल का एक्सपोजर हो रहा है एसिड के साथ, तो अपने सेल्स को थोड़ा इंक्रीज करेगी नंबर को, हाइपरप्लेजिया कराएगी। तीसरा चीज वो क्या करेगी, अपने लैमिना प्रोप्रिया को भी इलोंगेट कर देगी, उनके पेपिला को इलोंगेट कर देगी। ठीक है, तो लैमिना प्रोप्रिया जो होते हैं म्यूकोसा में होते हैं इसोफेगस के, तो अपने लैमिना प्रोप्रिया को इलोंगेट करेगी, बेसल जोन का हाइपरप्लेजिया कराएगी और इओसिनोफिल्स, ये तीनों इसकी माइक्रोस्कोपी में आएंगे, गर्ड की माइक्रोस्कोपी में। लेकिन अगर गर्ड तक बात ना रुकी और एसिड का एक्सपोजर होता रहा, तो फिर वहां पर हो जाएगा मेटाप्लेजिया, और मेटाप्लेजिया के साथ ही वहां पर डिस्प्लेजिया भी हो जाएगा और उसके बाद वहां पे कैंसर बन जाएगा। तो बैरेट इसोफेगस की मोर्फोलॉजी एसिक्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि ग्रोस में ना आपको सिर्फ टंग मिलती है या पैचेस मिलती है रेड वेलवेटी म्यूकोसा की, मतलब इस तरह से होता है कि ये जो लेट्स सपोज कि ये जंक्शन है इसोफेगस का और स्टमक का, इस जंक्शन से ऊपर की तरफ इसोफेगस की तरफ इस तरह से रेड रेड टंग्स जा रही होती है, रेड म्यूकोसा की, वेलवेटी म्यूकोसा की। ठीक है, तो ये इसका मेन डिस्टिंक्टिव फीचर है बैरेट इसोफेगस का, हिंट है ये मेजर कि टंग्स होते हैं या पैचेस होते हैं रेड म्यूकोसा के, वेलवेटी म्यूकोसा के, जो जंक्शन से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब इतने से एरिया में जिस जगह पे आपको रेड म्यूकोसा नजर आ रहा है, इतने से एरिया में मेटाप्लेजिया हो चुका है, इसके ऊपर यानी इसोफेगस की तरफ भी एपिथीलियम बिल्कुल नॉर्मल है, इसके नीचे यानी स्टमक की तरफ भी एपिथीलियम बिल्कुल नॉर्मल है, बस ये इतने से एरिया में जहां पर रेड वेलवेटी म्यूकोसा है, जहां पे पैचेस है, जहां पे टंग है, वहां पर सिर्फ हमारे पास मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो अगली लाइन में क्या बता रहा है कि जो मेटाप्लास्टिक म्यूकोसा है इसके ऊपर वाली साइड पे स्मूथ पेल स्क्वेमस म्यूकोसा बिल्कुल नॉर्मल है, इसोफेगस का म्यूकोसा बिल्कुल नॉर्मल है, और इसके नीचे इसके डिस्टली इसके प्रोक्सिमली इसोफेगस है, इसके डिस्टली क्या है लाइट ब्राउन कोलमनर गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये लाइन भी आप मेंशन कर सकते हो कि ये सिर्फ इतनी एरिया में मेटाप्लेजिया, इसके प्रोक्सिमली इसोफेगस का पेल स्क्वेमस में क्यों है और इसके डिस्टली ब्राउन सा कोलमनर म्यूकोसा है गैस्ट्रिक यानी स्टमक का। चलें, माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नजर आएगा, माइक्रोस्कोपी में क्या ही नजर आ सकता है, सबसे पहले तो हमें मेटाप्लेजिया नजर आएगा, दूसरे नंबर पे हमें मेटाप्लेजिया की वजह से, अब इतनी आसान चीज है कि जब मेटाप्लेजिया हुआ, जब इसोफिगस में इंटेस्टाइन की एपिथीलियम आई तो वो ऑब्वियसली अपने साथ गोब्लेट सेल्स भी लेके आएगी, वैसे इसोफिगस में नॉर्मली गोब्लेट सेल्स नहीं होते, गोब्लेट सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन में, लेकिन क्योंकि अब इसोफिगस में इंटेस्टाइन की एपिथीलियम आ गई तो गोब्लेट सेल्स भी आएंगे, तो आपने लिखना है माइक्रोस्कोपी में, एक तो मेटाप्लेजिया होगा, दूसरा यहाँ पर हमें गोब्लेट सेल्स मिलेंगे, अबंडेंट गोब्लेट सेल्स मिलेंगे, और तीसरी चीज आपने डिस्प्लेजिया मेंशन कर देनी है कि बैरेट इसोफिगस में डिस्प्लेजिया भी होना शुरू हो जाता है, पहले तो मेटाप्लेजिया होता है उसके बाद डिस्प्लेजिया हो जाता है। अब ये डिस्प्लेजिया के फीचर्स हैं कि माइटोसिस होती है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया हो जाता है, क्रोमैटिन जो है वो इररेगुलर हो जाती है, क्लम्प्ड हो जाती है, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कर जाती है, एपिथेलियल सेल मैच्योर भी नहीं हो पाते। तो ये सारी आपकी बैरेट इसोफेगस, सिर्फ दो से तीन वर्ड बैरेट इसोफेगस के लिए याद रखिए, एक तो ये याद रखिए कि वेलवेटी म्यूकोसा टंग लाइक या पैचेस बना देते हैं, माइक्रोस्कोपी में याद रखिए मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया, बस मेटाप्लेजिया को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्प्लेजिया को एक्सप्लेन करते हैं, आपकी बैरेट इसोफेगस की मॉर्फोलॉजी डन, और ये एसीक्यू है। चले, उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले तो गर्ड होगा, फिर मेटाप्लेजिया होगा, फिर डिस्प्लेजिया होगा, और उसके बाद वहां पे बन जाएगा एडिनो कार्सिनोमा। अब ये जो
इसोफिगस का एडिनोकार्सिनोम है और इसोफिगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोम है। इनको हम साथ साथ पढ़ेंगे बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ना मेन चीज ये है कि एडिनोकार्सिनोमा बनता है लोअर पार्ट ऑफ इसोफिगस में। जाहिर बात है ये हमें समझ आ गई है चीजें कि लोअर पार्ट ऑफ इसोफिगस में क्यों बन रहा है, डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफिगस में क्यों बन रहा है, बिकॉज इसके बनने से पहले वहां पे बेलर इसोफिगस बनती है और वहां पर गर्ड बनता है और वो बनता है डिस्टल पार्ट में ना, जहां पे जंक्शन है इसोफिगस और स्टमक का। इसीलिए एडिनोकार्सिनोमा बनता है इसोफिगस के डिस्टल पार्ट में। और जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इसोफिगस का, वो बनेगा मिडल पार्ट ऑफ इसोफिगस में। ये डिस्टल पार्ट में क्यों नहीं बन रहा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कौन बताएगा? ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ना, ये डिस्टल पार्ट में इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफिगस में हमारे पास एसिड के लिए वो ज्यादा एक्सपोजर के लिए ना, आप समझ लें कि सेंसिटिव होती है और वहां पर मेटाप्लेजिया हो जाता है, स्टम इसकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम हो जाती है। लेकिन जो ऊपर वाला सारा पार्ट है इसोफिगस का, उस सारे में स्क्वेमस एपिथेलियम ही रहती है। इसीलिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बनने के ज्यादा चांसेस इसोफिगस के फर्स्ट पार्ट में या सेकंड थर्ड पार्ट में है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी मोर्फोलॉजी रीड करते हैं। तो आपको सिंपली कैंसर में जब भी आप अर्ली लेयर लिखते हो, हमने ओरल कैविटी में भी देखा, ओरल कैविटी के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी देखा, अर्ली लेयर में आपको क्या ही नजर आता है, आपको पैचेस नजर आते हैं। तो आपने यहाँ पे भी लिख देना अर्ली लेयर में पैचेस। जब लेयर थोड़ा लेट होता है, जब कैंसर थोड़ा बड़ा होता है, तो मैंने कहा था एक चीज याद रख लें, कोई भी कैंसर हो कोई भी, जब वो थोड़ा लेट होता है या थोड़ा उसको हम इलाज होने देते हैं तो मैस बना देता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे भी लिख देना कि मैस है। अब ये मैस इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ये मैस अल्सरेट कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, ये दो तीन चीजें आपने साथ मेंशन कर देनी है। माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नजर आएगा, एडिनोकार्सिनोमा की माइक्रोस्कोपी बहुत ज्यादा आसान है। खुद नाम से सोचें, नाम से चीजें याद किया करें, ताकि जब पेपर में आपको कहेगा ना एडिनोकार्सिनोमा की मोर्फोलॉजी लिखो, तो आपको एडिनोकार्सिनोमा वर्ड सुनकर सारा कुछ याद आ जाए, आपको वहां बैठ के सोचना ना पड़े। आपको याद आ जाए एडिनो वर्ड शो करा है ग्लैंड्स को, तो क्योंकि अब इसोफिगस में इंटेस्टाइन की एपिथेलियम आ गई है तो अपने साथ ग्लैंड्स लेकर आ गया, तो आपने माइक्रोस्कोपी में लिख देना है कि ट्यूमर में ग्लैंड्स है और ट्यूमर म्यूसिन बना रहा है। ठीक है, तो बैक टू बैक ग्लैंड्स आपको मिलेंगे माइक्रोस्कोपी पे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की पहले आप माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं, बिकॉज मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि कहीं पर भी पूरी बॉडी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो और उसकी आपसे मॉर्फोलॉजी पूछी जाए, तो माइक्रोस्कोपी लिखते वक्त आपने एक मिनट भी नहीं लगाना, आपने फौरन से लिख देनी है कि अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड है तो केराटिन पर्ल्स है, अगर पोली डिफ्रेंशिएटेड है तो नेस्ट है मेलिग्नेंट सेल्स के और बहुत थोड़ी बहुत केराटिनाइजेशन है लेकिन केराटिन पर्ल्स नहीं है। तो ये आपने सेम मॉर्फोलॉजी लिखी थी ओरल कैविटी में, सेम आपने लिख देनी है यहाँ पर। ग्रोथ थोड़ी सी आप देख लेंगे, अगर अर्ली लगी ना लेट लगी ना, अर्ली है तो हमें प्लॉक लाइक थिकनिंग्स मिलेंगी, प्लॉक्स मिलेंगे, हमें ओरल कैविटी में भी यही मिल रहे थे, प्लॉक्स मिल रहे थे। लेट हो जाएगा तो मैस बन जाएगा, ओरल कैविटी में भी यही था कि मैस बन गया था, फिर बाद में वो अल्सरेटेड हो गया था, यहाँ पर भी अल्सरेटेड हो गया। चीज डिफरेंस कहां पर आ रहा है कि यहाँ पर जो मैस है ना वो ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है लेकिन ओरल कैविटी में ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या है कि जो मैस बन रहा है अल्सरेटेड सा, फिर डंकलेटेड सा, पॉलिप बन रहा है, मैस बन रहा है, ये आपके ल्यूमन को, इसोफिगस के ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और अगर ये वेरी लेट हो जाए तब ये क्या करेगा, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को पकड़ लेगा, ट्रेकिया को, एओटा को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास हो गई हमारी इसोफिगस के दोनों कार्सिनोमास की मोर्फोलॉजी हमने देख ली। ठीक है, चले अब हम जाने लगे स्टमक के पास। हमारी इसोफिगस भी कवर हो गई, ओरल कैविटी भी हो गई, अब हमने देखना है स्टमक। स्टमक में ना आपके पास होता है गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन, उसके बाद इन्फ्लेमेशन के बाद वहां पर बनता है एडिनो कार्सिनोमा, बिकॉज स्टमक में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं बनेगा, स्टमक में स्क्वेमस एपिथेलियम है ही नहीं, स्टमक में होती है कोलमनर एपिथेलियम, उसमें होते हैं ग्लैंड्स, इसीलिए स्टमक में बनता है एडिनो कार्सिनोमा। तो स्टमक में पहले गैस्ट्राइटिस देखेंगे, फिर एडिनो कार्सिनोमा देखेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे इंटेस्टाइन की तरफ। तो स्टमक में जो गैस्ट्राइटिस होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो पहले तो हो सकती है एक्यूट और क्रोनिक, उसकी दो टाइप्स होती हैं, या एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा। एक्यूट के तो बहुत ज्यादा रीजंस है ना, एनसेड अगर कोई इंसान ले रहा है और उसकी वजह से उसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रहा है, अगर वो कोई इस तरह की डाइट उसकी इस तरह की है, या कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस की बहुत सारी रीजंस है। लेकिन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के सिर्फ दो रीजंस हैं, ऑटो इम्यून और एच पायलोरा, यानी या तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा या एच पायलोरा ही आएगा, वो आके स्टमक को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। तो हमने दोनों की मॉर्फोलॉजी देखनी है, ऑटो इम्यून की वजह से मॉर्फोलॉजी कैसी हो सकती है और एच पायलोरा की वजह से, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी की इसको आपने गौर से समझना है। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, मैंने बार बार कह रही हूँ कि कोशिश किया करें कि हर मॉर्फोलॉजी को याद करने के लिए दो या तीन बुलेट पॉइंट्स बना लिया करें, उनको माइंड में रखा करें कि जैसे ही आपके सामने ऑटो इम्यून आए ना वर्ड, ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस आई, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, आपको फौरन से याद आ जाए कि इसकी मॉर्फोलॉजी मैंने क्या लिखनी है। इसको मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि हमारा स्टमक है, उसमें एसिड प्रोड्यूसिंग सेल है, वो बहुत ज्यादा एसिड बना रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करी, ऑटो इम्यूनिटी यही होता है ना कि बॉडी खुद ही अपने सेल्स को मारना शुरू कर दे, तो हमारी बॉडी ना थक गई है इतना एसिड बर्दाश्त करके, वो ये कहती है कि भाई इस स्टमक में तो रुकना नहीं है, मैं क्या करती हूँ, मैं सेल्स भेजती हूँ जो
जाके इन एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स को अटैक करेंगे और मेरी जान छुड़वाएंगे इस एसिड से। ये सिर्फ हमने कहानी सोचनी है माइंड में, पेपर में नहीं लिख कर आनी, ठीक है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ग्रोस में क्या होता है कि जो आपके एसिड प्रोड्यूसिंग सेल है सबसे ज्यादा उनको डैमेज किया जाता है, उनको अटैक किया जाता है। तो आपने ग्रोस में सिंपली लिख देना है कि डैमेज हो रहा है एसिड प्रोड्यूसिंग सेल का। अब जब स्टमी के म्यूकोजा के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया गया है, हमारी ऑटो इम्यूनिटी ने आके सेल्स को मारना शुरू कर दिया, तो स्टमिक का म्यूकोजा थिन होना शुरू हो जाएगा, उसके फोल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ग्रोथ तो इतनी सिंपल है, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी माइक्रोस्कोपी की, तो माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नजर आएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नजर आ सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, तो माइक्रोस्कोपी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स नजर आएंगे। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे न्यूट्रोफिल लिख कर आएगा तो उसके मार्क्स कटने चाहिए, बिकॉज न्यूट्रोफिल होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ये है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे, मैक्रोफेजेस नजर आएंगे, प्लाज्मा सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, आपको पैराइटल सेल्स का और चीफ सेल्स का लॉस भी नजर आएगा। मतलब ऑटो इम्यूनिटी जब आई आई तो वो एसिड वाले सेल्स को डैमेज करने है, लेकिन साथ तो थोड़े बहुत चीफ सेल्स को, पैराइटल सेल्स को भी डैमेज कर देगी, उनका भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एंडोक्राइन वगैरह के सेल्स हैं ये हाइपरप्लेसिया करेंगे, लेकिन ये जो तीन सेल्स हैं चीफ सेल, पैराइटल सेल और एक्जेंटिक सेल, इन तीनों का डैमेज होगा। तो ये आपके पास हो गई आसान तरीन मॉर्फोलॉजी ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की, और ये इंपॉर्टेंट है, एसक्यूज में आई हुई है, तो आपने इसको एक्टिव रिकॉल कर लेना एक दो दफा। अब हम चलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की दूसरी टाइप पर, जो है एच पाइलोराई। अगर एच पाइलोराई आकर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराएगा उसको हम कहेंगे एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस। इसकी ग्रोथ में हमें क्या मिलेगी, इसके ग्रोथ में ना हमें एरिडिमा तो मिलेगा, रेड रेडनेस तो मिलेगी, लेकिन साथ में हमें नोड्यूलर अपीयरेंस मिलेगी। अब इस नोड्यूलर को कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि एच पाइलोराई आके ना अपने घर बनाएगा स्टमिक के म्यूकोजा में, वो जो घर होंगे वो ऐसे नजर आएगा जैसे नोड्यूल्स है, उसके असल में वो घर होंगे, ठीक है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि नोड्यूलर अपीयरेंस मिलेगी जब भी एच पाइलोराई का गैस्ट्राइटिस होगा। माइक्रोस्कोपी में क्या है, सबसे पहली तो चीज ये कि एच पाइलोरी जब आता है ना, तो माइक्रोस्कोपी में आपको दोनों तरह के सेल्स मिलते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स भी मिलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स भी मिलते हैं, लेकिन उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई होती है, इकट्ठे नहीं रहते वो। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स है ना वो पड़े होते हैं लेमिना प्रोप्रिया में या एपिथीलियम में, ऊपर ऊपर ही पड़े होते हैं एपिथीलियम में या लेमिना प्रोप्रिया में, और वहां पे पिट्स बना देते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स नहीं सॉरी पिट्स में एब्सिस बना देते हैं, पिट एब्सिस। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले सेल है यानी जो न्यूट्रोफिल है गैस्ट्रिक पिट्स में पड़े हुए हैं, एपिथीलियम में या लेमिना प्रोप्रिया में पड़े हुए हैं और एब्सिस बना रहे हैं, पिट एब्सिस, ठीक है। और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले सेल है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, ये पड़े हुए लिम्फोइड एग्रीगेट बना रहे हैं डीप जाकर वॉल में, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले सेल क्या बना रहे हैं, लिम्फोइड एग्रीगेट बना रहे हैं, जिसको म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं, मार्ट भी कहते हैं। और जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले सेल है न्यूट्रोफिल है, वो एब्सिस बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने दो चीजें याद रखनी है एच पाइलोराई के गैस्ट्राइटिस के लिए। इसको ऐसे याद रखें कि एच पाइलोराई ने ना दोनों को सेपरेट किया है, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले सेल यहां रहे, क्रोनिक वाले यहां रहे, दोनों ने मिक्स नहीं होना, उनकी लड़ाई करवाई हुई है, ठीक है। पहले तो ये अपने घर बनाता है जिस तरह से नोड्यूलर अपीयरेंस, उसके बाद ये लड़ाई करा देता है, एक्यूट वाले सेल अलग अपनी एब्सिस बना देते हैं, क्रोनिक वाले अपना मार्ट बना देते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपको इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत मेटाप्लेजिया मिल सकते हैं। और आखिरी चीज ये कभी नहीं भूलनी, एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस की आप मॉर्फोलॉजी लिख रहे हो ना, तो आप उसमें ये लिख कर आना है कि आपको एच पाइलोराई भी नजर आएंगे, जो कर्व्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ठीक है। इस स्टेन की मदद से मैं एच पाइलोराई भी नजर आता है। चले, हमने यहाँ पर स्टमिक के गैस्ट्राइटिस की इन्फ्लेमेशन कह रही हूँ मॉर्फोलॉजी देख ली। अब हमारे पास आ गई पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज की मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई बच्चा सिर्फ ये पिक्चर याद कर लेता है ना, तो उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज की मॉर्फोलॉजी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है, ये ग्रोस भी दिखा रही है, ये माइक्रोस्कोपी भी दिखा रही है। ग्रोस भी दिखा रही है कि स्टमिक के म्यूकोजा में इस तरह से डिफेक्ट्स बन जाते हैं, घड़े बन जाते हैं, डिफेक्ट्स बन जाते हैं, और ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, राउंड या ओवल शेप्ड होते हैं। तो आपने ग्रोस में सिंपली लिख देना है कि हमें म्यूकोजा में राउंड या ओवल शेप्ड डिफेक्ट्स नजर आएंगे। और माइक्रोस्कोपी में ना आपको ये चार लेयर्स मिलती है। सबसे ऊपर लेयर होती है नेक्रोटिक डेब्रिस की, यानी सेल्स की डेथ हो रही है, नेक्रोसिस है। दूसरी लेयर होती है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, तीसरी लेयर होती है ग्रेन्यूलेशन टिश्यू की, और चौथी होती है फिब्रोसिस की। अब इसको याद कैसे रखना है, सबसे ऊपर ना नेक्रोसिस हो रही है, सेल्स मर रहे हैं। अब जहां भी नेक्रोसिस हो रही है वहां पर भाग भाग के इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, तो दूसरी लेयर में आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रहे हैं। जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं तो वो क्या कराते हैं, वो थोड़ी बहुत वहां पे जो नेक्रोटिक डेब्रिस होता है उसको इनगल्फ करते हैं, थोड़ी हालात ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ग्रेन्यूलेशन टिश्यू बनता है। ग्रेन्यूलेशन टिश्यू कहते हैं जो हीलिंग के लिए बन रहा होता है। तो तीसरी लेयर में आपको थोड़ी हीलिंग मिलेगी, आपको ग्रेन्यूलेशन टिश्यू मिलेगा, और एट द एंड हीलिंग किस फॉर्म में हो जाएगी, फिब्रोसिस की फॉर्म में। तो आपको एंड पे क्या मिल रहा है, फिब्रोसिस मिल रही है। तो निक्स एक निमोनिक बन जाता है। वैसे अगर आप निक्स ना भी याद रखो, आप इस सीक्वेंस को याद रखो कि सबसे पहले नेक्रोसिस हुई, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू बना, फिब्रोसिस हो गई, तो आपको ये पेप्टिक अल्सर की मोर्फोलॉजी याद आएगी। ग्रोथ में आपको क्या मिलेगा, आपको डिफेक्ट्स मिलेंगे, राउंड या ओवल शेप आपको पंच्ड आउट डिफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में ये चारों लेयर्स लिख दो, नेक्रोटिक डेब्रिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, फिब्रोसिस। ये जो पिक्चर, अगर सिर्फ आप ये याद रख लो, आप पेप्टिक अल्सर डिजीज की पूरी मोर्फोलॉजी याद रख सकते हो, ठीक है। चले, अब हमारे पास स्टमक का सिर्फ एडिनोकार्सिनोमा रह गया, इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इंटेस्टाइन करेंगे, ठीक है।
चलिए, स्टमक में बनना होता है एडिनो कार्सिनोमा, बिकॉज स्टमक में स्क्विमस एपिथीलियम नहीं है तो स्टमक में कभी भी स्क्विमस सेल कार्सिनोमा नहीं बनेगा। स्टमक में ग्लैंड है तो स्टमक में बनेगा एडिनो कार्सिनोमा। अब इसकी ना दो टाइप्स होती है, इंटेस्टाइनल टाइप, डिफ्यूज टाइप। इसको कैसे याद रखना है दोनों टाइप्स को, इनका जो मेन डिफरेंस होता है ना इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप का, वो ये होता है कि जो इंटेस्टाइनल टाइप के सेल होते हैं ना वो कोहेसिव होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और डिफ्यूज नाम से जाहिर हो रहा है, डिफ्यूज है, फैला हुआ होगा, तो इसके सेल जो होते हैं डिस्कोहेसिव होते हैं, आपस में नहीं अटैच होते। तो ये लिखा हुआ है डिस्कोहेसिव, डिफ्यूज टाइप के सेल्स डिस्कोहेसिव होते हैं और इंटेस्टाइनल टाइप के सेल कोहेसिव होते हैं। ये चीज इनका डिफरेंस है मेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटेस्टाइनल टाइप सेल्स में क्या होगा, बल्कि सी ग्रोथ होगी, सेल्स आपस में जुड़े होंगे, अल्सरेटिव होगा, जाहिर बात है कैंसर है तो मैस होगा, जो अल्सरेटिव होगा उसके जो बॉर्डर होंगे वो हीप्ड अप बॉर्डर होंगे। माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आएगा, अब जिन लोगों ने स्टमिक का स्टमिक से पहले इसोफिगस के एडिनोकार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी को सही से समझा था, उन लोगों को याद होगा कि जब इसोफिगस के एडिनोकार्सिनोमा की हमने माइक्रोस्कोपी लिखी थी तो हमने सिंपली लिख दिया था कि ग्लैंड होंगे, म्यूसिन होगा, जाहिर बात है ग्लैंड होने हैं, म्यूसिन होना है। तो आपने स्टमिक के एडिनोकार्सिनोमा भी माइक्रोस्कोपी में चुप करके वो लिख देना है कि ग्लैंड होंगे और म्यूसिन के वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। और डिफ्यूज टाइप में जब ग्रोथ लिखेंगे तो इनफिल्ट्रेटिव होता है, और इसमें ना आपको डी डी से ही सारा कुछ याद रखना है। सबसे पहले डी से याद रखना है कि डेस्मोप्लेजिया होगा, उस डेस्मोप्लेजिया की वजह से जो स्टमक की वॉल है वो स्टिफन हो जाएगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, ये आपकी ओस्मी में भी आता है, लिनिएटिस प्लास्टिका। लिनिएटिस प्लास्टिका क्या होता है कि स्टमक वॉल स्टिफन हो जाए, थोड़ी सख्त हो जाए। क्यों सख्त हो जाए, ये जो एडिनोकार्सिनोमा है ना इसकी वजह से, डिफ्यूज टाइप की वजह से। लिनिएटिस प्लास्टिका होता है, इसको लेदर बॉटल अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोस में तो आपने लिनिएटिस प्लास्टिका लिख देना है, और माइक्रोस्कोपी में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले कि डिस्कोहेसिव सेल होते हैं, आपस में नहीं जुड़ते। दूसरा, डिफ्यूज टाइप में भी वही चीज है कि ग्लैंड्स हैं, म्यूसिन है, लेकिन यहां पर जो म्यूसिन वैक्यूल है ना ये काफी बड़े हो गए हैं। डिफ्यूज वाले में जब म्यूसिन वैक्यूल बड़े हो गए ना, इन्होंने न्यूक्लियस को एक साइड पे लगा दिया, न्यूक्लियस को ठिकाने लगा दिया, जिसकी वजह से हमें जो अपीयरेंस है ना वो सिग्नल रिंग की अपीयरेंस आ रही है, कि दरमियान में सारा म्यूसिन वैक्यूल पड़ा और एक साइड पे ऐसे मोती की तरह आप समझ लें न्यूक्लियस पड़ा, तो इसको कहते हैं सिग्नल रिंग सेल। तो डिफ्यूज टाइप में सबसे पहले याद रखना है डिस्कोहेसिव सेल, फिर याद रखना है डेस्मोप्लेजिया यानी लिनिएटिस प्लास्टिका, फिर याद रखना है सिग्नल रिंग सेल्स। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है डिफ्यूज टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा के लिए। चलें जी, यहाँ पर स्टमक का हमारे पास काम खत्म हो गया, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के मोर्फोलॉजीज देखेंगे इंशाल्लाह।